हर कोई जानता है और हर किसी इंसान को एक बात पता है कि यूनिवर्सल स्टेटमेंट के साथ हम लोग प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं सर? तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये बातें हर कोई जानता है। इतना आपको पता है कि सर प्रेजेंट इनडेफिनिट को बताने के लिए वर्ब का पहला फॉर्म चिपकता है या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग SCIS का इस्तेमाल करते हैं। ये बातें आपको ऑलरेडी पता है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आप सबसे कि सर फर्स्ट फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल करते हैं जब आपका सब्जेक्ट रहता है प्लुरल, तब फर्स्ट फॉर्म के साथ SCIS तब लगाते हैं जब आपका सब्जेक्ट रहता है सिंगुलर तब। यानी ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा डाउट ये है कि सर यूनिवर्सल स्टेटमेंट को हम कैसे पहचान पाएंगे, ये बातें नहीं समझ में आती है। तो मैं आपको बताता हूं कि सर इसको आप कैसे पहचानोगे। ये जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है ना, इसको पहचानने का बड़ा जबरदस्त जुगाड़ बताता हूं मेरे भाई। इसको हिंदी की दुनिया में लोग सार्वभौमिक सत्य बोलते हैं, जिसको कोई झुठला नहीं सकता, जो हर जगह एकदम सेम होता है, कभी भी नहीं बदलता। मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन बच्चे इसको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। मैं आपको समझाता हूं मेरे भाई, एक बात बताना। अगर मैं आपसे पूछूं कि बाबू 2+2 कितना होगा, तो आपका जवाब होगा 4 होगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 5×2 कितना होगा, आप बोलोगे सर 10 होगा। अरे भैया, इसको कोई झूठा साबित कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। इसको कोई गलत साबित कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। इसका मतलब इसको मैथमेटिक्स ने प्रूफ कर दिया। यानी मेरे भाई, जिस किसी भी चीज को मैथमेटिक्स ने प्रूफ कर दिया वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट के अंतर्गत आएगा। इसलिए हम साफ साफ बोल सकते हैं कि सर जब हम बात करते हैं मैथमेटिकल फैक्ट को लेकर के, अरे किसको लेकर मेरे भाई, जब हम बात करते हैं मैथमेटिकल फैक्ट को लेकर के तो इसको किस टेंस में रखोगे मेरे भाई? तो आपका जवाब होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये अपने आप में यूनिवर्सल स्टेटमेंट को शो करता है। जब हम बात करते हैं मेरे भाई, एक बात बताना, सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है तो लगाती है, इसको कोई नहीं झुठला सकता। क्यों? क्योंकि इसको साइंस ने प्रूफ कर दिया। अरे भैया, जो वाटर होता है ना, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो उबलना स्टार्ट हो जाता है, उसको कोई झूठा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसको साइंस ने प्रूफ कर दिया। अरे भाई, जिसको साइंस ने प्रूफ कर दिया उस, वो भी किस में आएगा? तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट में आएगा। इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल अपने साथ करेगा। यानी हम साफ साफ कह सकते हैं कि सर जो साइंटिफिक फैक्ट है, अरे जल्दी से सुनना, साइंटिफिक फैक्ट है ना, जो साइंटिफिक फैक्ट है उसको भी हम लोग यूनिवर्सल स्टेटमेंट के अंतर्गत ही रखेंगे। अरे भाई, लोग ये भी बात बोलते हैं, लोगों के दिमाग में एक बात बैठ गई है कि प्यार एक इंसान को बदल देता है। एकदम सही बात है, इसको कोई छुटा नहीं कर सकता। इसका मतलब जब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट को लेकर के ये भी अपने आप में यूनिवर्सल स्टेटमेंट के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि इसको भी कोई छुटा नहीं साबित कर सकता है सर। इसको भी कोई झूठा साबित नहीं कर सकता है। बात समझ में आया? यानी इतना बात एकदम क्लियर हो चुका है कि सर आपके दिमाग में खुश आना चाहिए, यूनिवर्सल स्टेटमेंट को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताने के लिए वर्ब का पहला फॉर्म आएगा या फिर वर्ब के पहला फॉर्म के साथ हम लोग SCIS का इस्तेमाल करेंगे। इस बात को भी दिमाग में अच्छे तरीके से आप डाल लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बात क्लियर है? आज के बाद यूनिवर्सल स्टेटमेंट को पहचानने में आपको एक रत्ती भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों नहीं प्रॉब्लम होगा सर? इसीलिए प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको तरीका बता दिया। सर इतना बात आपको पता है कि दो पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती? अरे भैया, इसको मैथमेटिक्स ने प्रूफ कर दिया। यानी ये सच है सर, इसको कोई झूठा साबित नहीं कर सकता है। बात समझ में आया? इसलिए जैसे एक एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं मेरे भाई, मैंने एकदम सिंपल सा शब्द बोला, एकदम सिंपल सा सेंटेंस बोला, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पे हम लोगों ने बॉयल्स का इस्तेमाल किया। बॉयल्स जो है ना, वो वर्ब के पहला फॉर्म के साथ एस जुड़ा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एकदम सिंपल सी बात है। एक और एग्जांपल मैंने लिखा, लव चेंजेस अ पर्सन, प्यार एक इंसान को बदल देता है। अरे भैया, एकदम सच बात है, साइकोलॉजी है मेरे भाई। बात समझ में आया? तो ये पूरा का पूरा मामला क्लियर हो चुका होगा, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूँ। अगर आपको समझ में आता है ना जो मैं बता रहा हूँ, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना मेरे भाई इस वीडियो को, क्योंकि बड़े काम की बात मैंने आपके सामने आ रखा है। ठीक है, मुलाकात करते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड सेंड एवरीवन। ठीक है भाई।